हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइम लर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन से अपना रेज्यूम बना सकते हो। रेज्यूम हम जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब हमको वो पूछते हैं रेज्यूम अपना, तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हो, मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में यहाँ पर आपको रेज्यूम मेकर आपको सर्च करना है। रेज्यूम मेकर सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला जो ऐप है उसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो दोस्तों चलिए, हमारा रेज्यूम मेकर इंस्टॉल हो चुका है, ओपन कर लेते हैं इसे। सॉरी दोस्तों, कुछ ऐड्स आ रहे थे इसलिए मैंने बैक किया। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट न्यू रेज्यूम, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अलाउ कर देना है सारी चीज़ें। एंटर रेज्यूम नेम, जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, मैं तो जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रेज्यूम का नाम लिख देता हूँ जॉब रेज्यूम। तो चलिए दोस्तों, मैंने जॉब रेज्यूम लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। फर्स्ट यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका नाम आपको पहले डालना है, उसके बाद डालना है डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, यहाँ पर आप सिंगल हो या मैरिड हो या डून डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेव बटन है उस पर करना है। तो दोस्तों ये सब फिलअप करने तो आपको आ ही जाएगा, तो मैं ये सारी चीज़ें फ़िलअप कर लूँगा, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। यहाँ पर आपको सिर्फ और फ़ोटो भी डालना होगा, सबसे ऊपर फ़ोटो आपको देना होगा अपना, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर देना होगा। सिग्नेचर यहाँ पे देने के बाद आपको सेव कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, फ्रेशर्स का जो ऑप्शन है, उसमें से फर्स्ट वाला आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पर सेकेंड डिसेलरेशन में भी आपको ब्राउज़ करके फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। डेट आज की आप डाल सकते हो यहाँ पर। प्लेस में आपको डाल लेना है हैदराबाद, या सॉरी आप जहाँ पर किस सिटी में रहते हो उस सिटी को यहाँ पर डाल देना है, और सिंपली सेव कर देना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है दोस्तों। अभी आता है एकेडमिक्स। तो दोस्तों अभी एकेडमिक्स में हम आ गए हैं।
यहाँ पर आपको अपने कोर्स का, अगर आपने कुछ कोर्स किया है तो कोर्स का नेम और उसका इंस्टीट्यूशन का नेम देना है, उसमें आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो दे देना है। सिंपली मैं ये भी डाल देता हूँ, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है दोस्तों। चलिए अभी सेव कर लेते हैं। तो चलिए अभी एक्सपीरियंस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैंने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर दिए हैं, अभी आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स की अपलोड करने की डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे। तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें आपको पता है, तो चलिए मैं अब सब कुछ लिख के, तो दोस्तों सारे इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ मैंने डाल दी है। चलिए अभी सेव कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आते हैं रेज्यूम सैंपल्स की तरफ। रेज्यूम सैंपल्स इस तरह के होंगे। दोस्तों आपको जो भी पसंद आ रहा हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है। तो मैं तो इसमें से सेकेंड वाला चूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद जनरेट रेज्यूम पे आपको क्लिक करना है। अभी पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों होम पेज में आपको जाना है, यहाँ पर वीव जनरेटेड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर का जो बटन दिख रहा है शेयर वाला, उस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली शेयर करना है व्हाट्सएप पे। उसके बाद व्हाट्सएप में आपको चले जाना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपना रेज्यूम देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह का हमारा रेज्यूम बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा ये शानदार लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप रेज्यूम बना सकते हो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ हर संडे को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।